इस वक्त हम हमारा व्हीकल लेके शिप में बैठने के लिए हम निकल चुके हैं। तो सर जी, हमारे दर्शकों को शिप के बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, ये जहाज एशिया का सबसे बड़ा जहाज है और सबसे बड़ी खासियत इसमें ये है कि ये जहाज जो है उसमें सोलर पैनल है। ये एशिया का पहला जहाज है। ये देखिए समुद्र का सुंदर नजारा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजू गामित मेरी YouTube चैनल में एक बार फिर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जाएंगे घोघा से हजीरा और वो भी हम जाएंगे रोरो फेरी से। तो इस वक्त हम आ गए हैं घोघा का जो रोरो फेरी का टर्मिनल बना हुआ है, इस टर्मिनल पर हम आ पहुंचे हैं। मेरा जो आज का वीडियो है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो पहले हम टिकट शो करेंगे और शो करने के बाद टिकट को स्कैन किया जाता है। स्कैन करने के बाद हमारा टिकट कंफर्म होती है। कंफर्म होने के बाद हम जो बेल्ट दिया जाएगा वो बेल्ट की जरिए हमें शिप में हमें एंट्री दी जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों, घोघा का टर्मिनल, ये जो पूरा एरिया है ये फोर व्हील और बड़े व्हीकल है उसके लिए पार्किंग का एरिया है। टर्मिनल का ये पूरा व्यू देखिए। आज टर्मिनल पर एक भी फोर व्हील पार्क कर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारी एक ही गाड़ी है। पता नहीं कितने पैसेंजर रोरो फेरी से घोघा से हजीरा जाएंगे, वो तो हम बैठने के बाद ही पता चलेगा। तो अभी हम टर्मिनल के अंदर जाएंगे। घोघा से हजीरा के लिए हमारी जो रोरो फेरी की वॉयज एक्सप्रेस शिप है उसका डिपार्चर का टाइम है वो 3 बजे का है। तो हमने जब टिकट बुकिंग की तो हमें बताया गया कि आपको 1 घंटे पहले टर्मिनल पर आना पड़ेगा। तो हम थोड़ा जल्द में यहाँ पर हम आ गए। देखते हैं और कितना हमें वेट करना पड़ेगा। ये जो टर्मिनल है वो साफ़ सुथरा है, वहाँ यहाँ पर बहुत अच्छे से उसको मेंटेन किया जा रहा है। यहाँ पर वॉशरूम बना हुआ है, वॉशरूम कैसा है वो भी दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, वॉशरूम एकदम क्लीन है। ये है डिपार्चर का वेटिंग एरिया और ये है अराइवल का डिपार्चर वेटिंग एरिया। पूरा यहाँ पर मैप बना हुआ है। ये टर्मिनल है मैप में और टर्मिनल का ये जो वेटिंग रूम और यहाँ से हमें जाना पड़ेगा। ये ट्रक का पार्किंग एरिया है, ट्रक का पूरा सिंबल बना हुआ है। यहाँ से हमारी फेरी वॉयज एक्सप्रेस है वो समुद्र में इतनी दूरी पर जो जेट्टी बनी हुई है जेट्टी के पास खड़ी है। दोस्तों, टर्मिनल के अंदर इम्पोर्टेंट नोटिस यहाँ पे लगी हुई है। टर्मिनल गेट प्रस्थान के समय से 30 मिनट पहले बंद हो जाएगा, उसके बाद टर्मिनल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। टर्मिनल गेट बंद हो जाने के बाद पहुंचने वाले वाहन मुसाफिरों की टिकट खुद ब खुद रद्द हो जाएगी और किराया वापस नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, उसका आप ध्यान रखिए। यात्री से अनुरोध है कि वो अपना मान्य आईडी कार्ड साथ में रखे कि उम्र के बच्चों का आधा टिकट भाड़ा गिना जाएगा। यदि योग्य आईडी प्रूफ नहीं दिखाया गया तो पूरा भाड़ा वसूल किया जाएगा। तो दोस्तों, इसका ध्यान रखिए। फेरी मुसाफरी दी गई ब्रिस्ट बैंड मुसाफरी दौरान बांध कर रखना जरूरी है। ब्रिस्ट बैंड नहीं बांधने पर व्यक्ति दीठ 500 जुर्माना भरना पड़ेगा। आपातकालीन सेवा का क्रमशः प्राथमिकता दी जाएगी।
यूजीसी कनेक्ट जो वेबसाइट है उसके वेबसाइट के जरिए आप अपनी टिकट बुक करा सकते हैं ऑनलाइन। इस वक्त हम गोगा टर्मिनल से हम रोरो फेरी शिप तक जाने के लिए हम निकल चुके हैं। अभी तक हमें बेल्ट नहीं दिया है, अभी आगे हमें बेल्ट दिया जाएगा एंट्री का। अभी सारे व्हीकल लाइन में खड़े हैं। जिसके पास पर्सनल व्हीकल नहीं है और रोरो फेरी का यूज करना चाहते हैं तो रोरो फेरी टर्मिनल से यही बस से शिप तक ले जाया जाता है। ये सभी पैसेंजर इस बस में बैठ के शिप तक जाएंगे। इस वक्त हम हमारा व्हीकल लेके शिप में बैठने के लिए हम निकल चुके हैं। बीच रास्ते में चेक पोस्ट बना हुआ था तो वहाँ से हमें शिप की एंट्री के लिए व्रिस्ट बैंड मिल चुकी है। तो देखिए दोस्तों, शिप तक पहुँचने के लिए इस तरह जेट्टी बनी हुई है और जेट्टी के ऊपर ये बहुत ही सुंदर रास्ता बना हुआ है जिसके ऊपर से हम इस वक्त शिप तक जा रहे हैं। और इस वक्त यहाँ पर रोरो फेरी की वॉयज एक्सप्रेस यहाँ पर खड़ी है। बहुत सारे व्हीकल शिप में एंट्री के लिए यहाँ पर लाइन में खड़े हैं। तो दोस्तों, इस वक्त वॉयज एक्सप्रेस में जाने से पहले इस वक्त शिप का कप्तान मेरे साथ मौजूद है। तो घोगा से हजीरा के लिए जाने वाला ये नया जहाज के बारे में सर जी बताएंगे। तो सर जी, हमारे दर्शकों को शिप के बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, ये जहाज एशिया का सबसे बड़ा जहाज है, रोपैक जिसको बोले। इसके अंदर में 650 पैसेंजर जाते हैं, 70 ट्रक जाएंगे, 80 कार जाएगी और 50 मोटरसाइकिल जाएंगे। जहाज का स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसका है 17 नॉट का स्पीड है। इससे ये जहाज घोगा और हजीरा की दूरी जो 55 नॉटिकल माइल की है वो मात्र 3.5 घंटे में कवर करे। शिप का ग्राउंड फ्लोर पर हेवी व्हीकल यानी कि बड़े बड़े ट्रक्स का पार्किंग का एरिया है। हम इस वक्त शिप के फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे जहां पर फोर व्हील और टू व्हील गाड़ियों का पार्किंग का एरिया है। तो दोस्तों देखिए, ये फोर व्हील और टू व्हील गाड़ियों का पार्किंग का पूरा ये एरिया आप देख सकते हैं। इस नए शिप वॉयज एक्सप्रेस में समुद्र की सुंदरता का अनुभव करने के लिए पूरी तरह से वातानुकूलित नौका सेवा की फैसिलिटी अवेलेबल है। परिवहन क्षमता की बात करें तो इस शिप में 3 कैफेटेरिया, गेम जोन और शीर्ष डेक जैसी सुविधाएं हैं। इसमें एग्जीक्यूटिव क्लास में 180 पैसेंजर, बिजनेस क्लास में 115 पैसेंजर, स्लीपर क्लास में 80 पैसेंजर, VIP लॉन्ज में 22 पैसेंजर, केबिन क्लास में 11 पैसेंजर की विशाल परिवहन क्षमता है। शिप में हम अंदर जा रहे हैं। ये देखिए, सीढ़ियां बनी हुई है। ये हम 3rd फ्लोर पे हम अभी पहुंच जाएंगे। एंट्रेंस हॉल। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे गेमिंग जोन बना हुआ है। वेटिंग के लिए यहाँ पे चेयर रखी हुई है। दोस्तों, आप DGC कनेक्ट पे आप शिप का बुक कर सकते हैं। ये वी वेलकम यू ऑन बोर्ड वॉयज एक्सप्रेस।
India's first solar-powered RoPax ferry service, buses and passenger vehicles. For your safety and comfort, safety lists are available on your ferry. इस वक्त हम आगे की ओर जा रहे हैं, सीटिंग एरिया, जिनेस क्लास की सीटिंग एरिया है ना, ये 91 से 115 बिजनेस क्लास का सीटिंग एरिया है। एग्जीक्यूटिव क्लास। दोस्तों ये है एग्जीक्यूटिव क्लास की सीटिंग एरिया। हमें कौन सी सीट सिलेक्ट की थी आपने? 78, 179 और 180। ये स्लीपर कोच का सीटिंग एरिया है। ये देखिए स्लीपर कोच का एरिया। दोस्तों सभी जगह पे यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो पूरा सेफ्टी का ध्यान रखा गया है। तो कैफे एरिया, यहाँ पे आप चाय है, कॉफ़ी है, कुछ स्टार्टर्स है, डोसा, उसका आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सिप में हमने चाय ली है, 25 रुपीज का है। तो दोस्तों इस वक्त हम सिप के टॉप फ्लोर पर हम जा रहे हैं। सीप का टॉप फ्लोर बहुत सारी सीटिंग के लिए चेयर लगी हुई है, ऊपर में सोलर पैनल लगी हुई है। और सबसे बड़ी खासियत इसमें यह है कि ये जहाज जो है उसमें सोलर पैनल है। ये एशिया का पहला जहाज है, इतना बड़ा जहाज जिसमें सोलर पैनल है और जिसमें हमें रोज का 100 किलोवाट का पावर मिलता है। वो 100 किलोवाट का जो हमें पावर मिलता है उससे हम अंदर का सारा इलेक्ट्रिसिटी, गैली का जहाँ खाना बनता है उसका कंजम्पशन, इलेक्ट्रॉनिक गेम और थोड़ा सा मशीनरी को भी जाता है। इसका एक फ़ायदा और है कि रोज़ का ये चलने से 1 टन डीजल की बचत होती है। 1 टन डीजल का मतलब 2.6 टन कार्बन इमिशन का सेविंग होता है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी उपलब्धि है। ये देखिए दोस्तों शिप का ऊपर का डेक, और इस वक्त ये बहुत ही सुंदर नजारा। डेक के ऊपर भी बैठने की जगह है, बहुत सारी सीटिंग एरिया है, चारों ओर चेयर लगी हुई है। ये देखिए समुद्र का सुंदर नज़ारा। इस वक्त शाम के 6:30 हुई है। दूर से सूरत सिटी की लाइटिंग दिखने लगी है।
थोड़ी ही देर में हम हजीरा पहुंच जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, दूर से सूरत सिटी दिखाई दे रही है। दोस्तों हम हजीरा बंदर पे आ पहुंचे हैं। इस वक्त हम एग्जिट हो रहे हैं। तो आप सभी को मैं बता दूं कि रोपेक्स फेरी का ये नया जहाज वॉयज एक्सप्रेस घोगा से दोपहर को 3 बजे निकला था। इस वक्त हमारी घड़ी में शाम के 7 बजे है और हम हजीरा पहुंच गए हैं। घोगा से हजीरा की दूरी तय करने में इस जहाज को करीबन 4 घंटे का टाइम लगा है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप वीडियो के बारे में ज़रूर कमेंट करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरी चैनल पर नए है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।